आगे बढ़ते हैं। माली मुश्किलात का शिकार कौमी एयरलाइन को रिलीफ मिल गया है। एफबीआर ने पीआईए के तमाम अकाउंट्स बहाल कर दिए हैं। पीआईए ने रवा माह अदायगी की तहरीरी यकीन दहानी कराई है। एफबीआर की जानिब सर की जानिब से ये बताया गया है। रवा माह पीआईए एफबीआर को 2 अरब 50 करोड़ अदा करेगा। मजमू तौर पर पीआईए ने 8 अरब की अदायगी करनी है। माली मुश्किलात का शिकार कौमी एयरलाइन को रिलीफ मिल गया है। एफबीआर ने पीआईए के तमाम अकाउंट्स को बहाल कर दिया है। पीआईए ने रवा माह अदायगी की तहरीरी तौर पर यकीन दहानी कराई है। एफबीआर ज़रा का बताना है कि रवा माह पीआईए एफबीआर को 2 अरब 50 करोड़ अदा करेगा। तफसीलात जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ आसिम भट्टी से। आसिम आगाह कीजिए। देखिए, कौमी एयरलाइन एफबीआर की जानिब से पैसे ना मिलने के बायस से मुश्किलात से दो चार थी, और एफबीआर की जानिब से जब अकाउंट सीज किए गए तो कौमी एयरलाइन को मुश्किलात में इजाफा हुआ। अब एफबीआर की जानिब से ज़राए ने तस्दीक किया है कि उनको रिलीफ मिला है और अकाउंट उनके बहाल कर दिए गए हैं। रवामा एफबीआर पीआईए जो है वो एफबीआर को 2 अरब 50 करोड़ की किस्त अदा कर देगी। मजमू तौर पर 8 अरब रुपए की एफबीआर को पीआईए ने अदायगी करनी है। बैंक अकाउंट मजमूत होने से पीआईए को शदीद माली मुश्किलात का सामना था। बैंक अकाउंट्स अब जो है मंजमद होने के बायस से जो पीआईए के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें भी ताखीर का शिकार थी, और तर्जमान तर्जमान पीआईए के मुताबिक बैंक अकाउंट बहाल होने के बाद अब माली मुश्किलात जो है वो दूर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया आसिम भट्टी इन तफसीलात के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।